तो देखो, लास्ट वीडियो में हमने पार्टीशन की डेफिनेशन की थी कि पार्टीशन क्या होता है और कॉम्पोजिशन क्या होता है। अभी उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए पार्टीशन पर बेस्ड कुछ अदर डेफिनेशन है, उसको हम एग्जांपल्स की हेल्प से समझेंगे। तो फर्स्ट ये पांच डेफिनेशन है, ठीक है। तो देखो, पहले सबसे पहले तो हम 5 के पार्टीशन लिख लेते हैं ताकि एग्जाम्पल्स इन डेफिनेशन को समझने में ईजी हो। तो 5 के पार्टीशन 5 होगा, 4+1, 3+2, 3+1+1, 2+2+1, 2+1+1+1 एंड टोटल 7 होते हैं ना। तो हमने 7 के 7 पार्टीशन लिख लिए। देखो सबसे पहले डेफिनेशन क्या है, PMN। PMN क्या होगा, द नंबर ऑफ पार्टीशन ऑफ n इनटू पार्ट्स नो लार्जर देन m। इसका मतलब क्या है कि हमें n के पार्टीशन करने हैं पर एक रिस्ट्रिक्शन के साथ। क्या ध्यान रखते हुए, हमने n के पार्टीशन कर दिए पर उसमें हमें ध्यान रखना है कि कोई भी पार्ट m से बड़ा ना हो, ठीक है। हमें n के पार्टीशन इस तरीके से करने हैं कि उसका कोई भी पार्ट m से बड़ा ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम m की वैल्यू 2 ले लें, ठीक है, n की वैल्यू तो 5 ली हुई है हमने, तो हमें फाइंड आउट करना है p2 5। इसका मतलब क्या है कि 5 के पार्टीशन करने हैं जिसमें कोई भी पार्ट 2 से बड़ा ना हो, ठीक है, जिसमें कोई भी पार्ट 2 से बड़ा ना हो। अब देखो, इसलिए तो 5 बड़ा है 2 से, ये भी बड़ा है, इसमें भी 3 आ गया 2 से बड़ा नंबर, तो हम इनको तो ले ही नहीं सकते। अब ये देखो, इसमें भी 3 बड़ा नंबर है, इसमें देखो ये वाला, जब हम p2 5 लिखेंगे तो इसके अंदर ये काउंट होगा क्योंकि इसके अंदर सारे के सारे पार्ट कैसे हैं, 2 या 2 से छोटे हैं, तो ये वाली चीज़ काउंट होगी। इसमें भी सारे 2 या 2 से छोटे हैं, इसमें भी सारे 2 या 2 से छोटे हैं, तो हमारे पास p2 5 क्या आ गया, 1 2 3। हमें 3 ऐसे पार्टीशन मिल गए 5 के जिसमें कोई भी पार्ट 2 से बड़ा नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब p2 5 हमारे पास क्या आ गया, 3, ठीक है, क्लियर होगी डेफिनेशन। इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है PON। इसका मतलब क्या है, द नंबर ऑफ पार्टीशन ऑफ n इंटू ओड पार्ट्स। इसका मतलब क्या है कि इसमें से, जैसे मान लो 5 के पार्टीशन कर लिए, इसमें पार्टीशन करने हैं हमने n के, पर एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जितने भी पार्ट्स होंगे, पार्ट्स तो समझ रहे हैं, हमने बताया था कि जो ये नंबर होते हैं इनको पार्ट्स बोलते हैं, कि ये जितने भी पार्ट्स होंगे सारे के सारे कैसे होने चाहिए, ओड होने चाहिए, ठीक है। तो वो काउंटिंग में जितने आएंगे उसको हमने क्या नाम दिया है, PON। अब देखो, हमने फाइंड आउट करना है P0N, मतलब P0 5 काउंट करेंगे। अब देखो कि कौन सा पार्टीशन ऐसा है जिसके अंदर सारे के सारे पार्ट्स ओड हैं, 5 है एक ही पार्ट और ये खुद कैसा है, ओड काउंट होगा। ये 4 इवन आ गया, इसको काउंट नहीं करेंगे, यहाँ 2 इवन आ गया, इसको काउंट नहीं करेंगे, 3 ओड है, 1 ओड है, 1 ओड है, ये काउंट होगा, ये इवन आ गया, ये भी इवन आ गया, यहाँ देखो सारे के सारे ओड हैं, तो मतलब ये काउंट होगा। इसका मतलब p0 5 की वैल्यू क्या आई, 1 2 3, ठीक है ना। तो p0 5 की वैल्यू 3 आई, मतलब हमें 5 के 3 ऐसे पार्टीशन मिल गए जिसके सारे के सारे पार्ट्स ओड थे। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास PDN। इसका मतलब क्या है, द नंबर ऑफ पार्टीशन ऑफ n इंटू डिस्टिंक्ट पार्ट्स। हमें सिर्फ वो पार्टीशन काउंट करने हैं जिसके सारे के सारे पार्ट कैसे हों, डिस्टिंक्ट मीन्स अलग अलग हों। अब देखो इसी तरीके से, अगर हमें बोले PD5 निकालें, कौन से आएंगे, 5 एक ही है इसमें तो अलग है ही, ये वाला काउंट होगा, डबल टिक लगा दीजिए ताकि थोड़ा डिफरेंट हो जाए, तो ये वाला काउंट होगा, इसमें 4 1 दोनों अलग अलग हैं, ये भी काउंट होगा, ये भी काउंट होगा, ये नहीं काउंट होगा, क्यों, क्योंकि इसके अंदर ये 1 और 1 सेम पार्ट है ना, ये दोनों हमें सिर्फ डिस्टिंक्ट पार्ट काउंट करने हैं। अब ये तो सेम नंबर है, ये पार्ट सेम नहीं होंगे दोनों, तो ये काउंट नहीं करेंगे, ये भी नहीं काउंट करेंगे क्योंकि यहाँ पर 2 2 ये सेम नंबर आ गए, ये भी सेम हो गया, डिस्टिंक्ट नहीं है, ये भी डिस्टिंक्ट नहीं है। इट मीन्स PD5 की वैल्यू क्या हुई, मतलब हमें डिस्टिंक्ट पार्ट्स वाले पार्टीशन कितने मिले, 1 2 3। इट मीन्स PD5 = 3, ठीक है। अब नेक्स्ट डेफिनेशन है QEN। QEN क्या होगा, QEN द नंबर ऑफ पार्टीशन ऑफ n इंटू एन इवन नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट पार्ट्स। अब QEN में दो कंडीशन लगी हैं, QEN के अंदर कौन कौन सी, पहली बात तो जो पार्ट्स होने चाहिए वो सारे के सारे डिफरेंट होने चाहिए,
सेकेंड और सारे के सारे ओड होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए और जो नंबर्स में ओड होने चाहिए। देखो यहाँ पर पार्ट्स ओड नहीं, जो नंबर है वो ओड होने चाहिए। द नंबर ऑफ पार्टीशन ऑफ एन, कि हमें एन के पार्टीशन इस तरीके से करने हैं, इनटू एन इवन नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट पार्ट्स, कि जो इवन नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट पार्ट्स, मतलब क्या है कि देखो पहले हम क्यू ई एन ई ई की बात कर रहे थे, तो सारे के सारे डिफरेंट होने चाहिए प्लस इवन, इवन पार्ट्स में ब्रेक होने चाहिए, इवन पार्ट्स में नंबर ऑफ पार्ट्स इवन होने चाहिए। यहाँ पर इवन पार्ट्स का मतलब ये नहीं है कि ये वाले नंबर इवन होने चाहिए, नंबर ऑफ पार्टीशन इवन होने चाहिए। एग्जांपल देके बताते हैं कि देखो हमें क्यू ई फाइव निकालना है, तो सबसे पहले तो डिस्टिंक्ट छाट लो इसमें से। डिस्टिंक्ट कौन आए थे? एक दो तीन, ये तीन डिस्टिंक्ट आए थे ना, इसके अंदर डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट एलिमेंट यूज हो रहे थे, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन तो हमारी सेटिस्फाई। सेकंड कंडीशन क्यू ई एन में क्या है कि वो सारे इवन पार्ट्स में ब्रेक होने चाहिए, इवन पार्ट्स में ब्रेक होने चाहिए। अब ये देखो फाइव कितने पार्ट्स में ब्रेक है, सिर्फ एक पार्ट में ब्रेक है और एक मतलब ओड, ठीक है, तो ये कंसिडर नहीं करेंगे। सेकंड देखो फाइव को हमने कितने पार्ट्स में ब्रेक कर रखा है, दो पार्ट्स में ब्रेक कर रखा है, दो मतलब इवन, तो इसको कंसिडर करेंगे। फाइव को नेक्स्ट में देखो हमने कितने पार्ट्स में ब्रेक कर रखा है, नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं इधर, इवन, मतलब टू है तो इवन है ना, तो इसको भी कंसिडर करेंगे। तो इट मीन्स हमें फाइव के कितने पार्टीशन मिले जो डिफरेंट पार्ट्स यूज कर रहे हो प्लस नंबर ऑफ पार्ट्स उसके अंदर कैसे हो, इवन, तो दो ही मिले जो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू ले रहे थे और साथ में नंबर ऑफ पार्ट्स कैसे थे, इवन। तो यहाँ से हमारे पास क्यू ई फाइव की वैल्यू कितनी आ गई, टू, क्लियर है। यहाँ पर अलग चीज थी, पी ओ एन का मतलब था कि जो ये नंबर हम यूज कर रहे हैं ये इवन या ओड होने चाहिए, पर क्यू ई एन का मतलब है कि नंबर ऑफ पार्ट्स हमारे पास इवन है या ओड है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है क्यू ओ एन की, इसके अंदर क्या होगा कि जो हमारे पास नंबर ऑफ पार्टीशन ऑफ एन इंटू एन ओड नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट पार्ट्स, यहाँ पर भी दो कंडीशन है। देखो अब डेफिनेशन क्यू ओ एन की लिखनी है, इसके अंदर क्या कंडीशन है, पहले तो डिफरेंट होने चाहिए, जो सारे के सारे पार्ट होने चाहिए, डिस्टिंक्ट बोल दो, डिस्टिंक्ट होने चाहिए। सेकेंडली वो जिन नंबर ऑफ पार्ट्स कितने होने चाहिए, नंबर ऑफ पार्ट्स काउंटिंग में ओड, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, सबसे पहले पहली कंडीशन चेक करते हैं कि इसमें डिफरेंट वाले कौन से थे, ये तीनों ही है ना जिसमें डिफरेंट नंबर ऑफ पार्ट्स यूज हो रहे हैं, डिफरेंट पार्ट्स मतलब फाइव फोर वन डिस्टिंक्ट है, इसमें तो सेम सेम यूज हो रहे हैं, तो ये इनको नहीं लेंगे। कौन से आ गए, फाइव आ गया, फोर प्लस वन आया, थ्री प्लस टू आया, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट नंबर है ना। अब इसमें से हमने कौन से चूज करने हैं जिसके अंदर नंबर ऑफ पार्ट्स ओड हो, इसके अंदर कितने पार्ट यूज हो रहे हैं, सिर्फ एक मींस ओड यूज हो रहे हैं, इसमें तो दो यूज हो रहे हैं ना, फोर और एक वन, मतलब नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हो गए, टू मीन्स इवन, इसको हम नहीं लेंगे क्योंकि हमें तो सिर्फ ओड वाले लेने हैं। अब यहाँ थ्री प्लस टू, इट मीन्स कितने नंबर ऑफ पार्ट्स हैं, टू, टू मीन्स इवन, तो हम इवन वाले नहीं लेंगे क्योंकि हमें ऐसे चाहिए एन के मीन्स फाइव के, हमें ऐसे पार्टीशन खोजने हैं जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स का यूज कर रहे हो। सेकेंड कंडीशन क्या है कि नंबर ऑफ पार्ट्स उसके अंदर कितने होने चाहिए, ओड, ठीक है। तो हमारे पास क्या मिला, फाइव के केस में सिर्फ एक ही ऐसा पार्टीशन मिला, फाइव, जो डिफरेंट पार्ट्स का यूज कर रहा था, साथ में इसके नंबर ऑफ पार्ट कितने हैं, वन, फाइव ही तो है, एक ही है, तो मीन्स ओड है, एक तो ओड नंबर है, तो इट मीन्स हमारे पास क्यू नोट फाइव की वैल्यू कितनी आ गई, वन, क्योंकि सिर्फ फाइव ही मिला हमें ऐसा जो डिफरेंट पार्ट्स का यूज कर रहा था और नंबर ऑफ पार्टीशन ओड थे, ठीक है। तो ये पांच डेफिनेशन थी। इसके बाद जीरो का केस लेके सबकी बात बता रखी कि जीरो के केस में क्या हुआ। सबसे पहली बात तो पार्टीशन जीरो का तो जीरो ही होगा, सॉरी पार्टीशन ऑफ जीरो वन होगा, क्योंकि जीरो को तो हम जीरो ही लिख सकते हैं और तो कुछ लिख नहीं सकते, ठीक है। उसके बाद जो पी एम जीरो होगा उसकी वैल्यू होगी वन, पी नॉट जीरो होगा उसकी वैल्यू भी होगी वन, ठीक है। ये आप खुद देखना, जो ना है फिर वो मुझसे पूछना, जो मैंने डेफिनेशन बताई है उससे सोच के खुद देखना कि इसकी ये वाली चीज़ कैसे आ रही है, ठीक है। पी डी जीरो की वैल्यू भी वन होगी, क्यू ई जीरो की वैल्यू भी वन होगी, पर क्यू जीरो जीरो की वैल्यू क्या होगी, जीरो, ठीक है, ये वाली चीज़ है। तो
होप सो आपको सारी डेफिनेशन क्लियर हो गई होंगी, अगर ना हुई हो फिर भी तो मैसेज करके पूछ लेना।